लापुंग प्रखंड के चंपाडी में अमर शहीद बड़ाई गोविंद सिंह की 40वीं स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लाल अजयनाथ सहदेव शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि का कार्यभार बड़ाई रामशंकर संभाले। रामशंकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। हमारे पिताजी ने समाज के लिए अपनी जान गंवाई थी और हम हर साल की भांति इस वर्ष भी उनके शहादत दिवस को मना रहे हैं और भविष्य में हमेशा मनाता रहेंगे। वहीं लाल जयनाथ सहदेव जी ने कहा कि हम सभी लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है और समाज के लिए कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। आज के नेतागण भी जनता की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, जो कि स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्य अतिथि के रूप में अजयनाथ सहदेव जी आ चुके हैं और उनका स्वागत हो रहा है, धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। हर समय सहयोग में रहे ना, अकेले में उनका ध्यान हो जाएगी। हर एक चीज में गुप्ता जी हर समय मन हमारे के दुख सुख में साथ देना देना तुमके वास्ते आत्मा के शांति वास्ते मन धारा की एकता में ही बल है। संगठित रहो, अपन संस्कृति और पहचान है के वही सांस्कृतिक पहचान करते हुए अलग राष्ट्र का निर्माण होगा। जखन दही मुठी धरती तब तक काई पुठी आसमान मांदर कर नवा तले जगी जखन नौजवान फिर उठाक नगरा से। हमारे बीच अभी मुख्य अतिथि और व्यवस्थापक दोनों ही मौजूद हैं। चलिए बारी बारी से जाने की कोशिश करते हैं। सर, आप कार्यक्रम में अपने ही समाज पे कुछ ज्यादा आक्रामक, इसमें जो है हम लोग का जाति में जैसे एक चेरो जाति अपन बनाए चेरो रोतिया, जो कि चेरो रोतिया और रोतिया जाति कलश जाति। चेरो जो रोतिया है, चेरो जाति जो पहले से आदिवासी के सूची में सम्मिलित है और रोतिया जाति पिछाड़ सूची में है। तो भाई उन लोग से हम लोग का ना कोई लेन है, ना देन है, ना शादी है, ना ब्याह है, किसी तरह का कोई हम लोग का संबंध नहीं रहा है हम लोग का। और यहाँ पर कुछ हम लोग के छुटभैये जो नेता है वो लोग बिना मतलब, जैसे भाई कोई भी देखिए कोई आदिवासी बनने के लिए उसको निमता रहना पड़ेगा ना। ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर हम लोग भोले भाले रोतिया लोग। ये शहादत दिवस के रूप में आम जनता को क्या संदेश दिया जाता है? देखिए, शहादत तो एक ऐसा जज्बा है जिसमें कि आज हम लोग झारखंड में खड़े हैं और झारखंड में खड़े हैं तो हमारे हजारों पूर्वजों का शहादत भी इसी झारखंड की लड़ाई के लिए किया गया था। केवल झारखंड आंदोलन में ही नहीं, बल्कि अगर पूरे झारखंड के इतिहास को उठा के देखा जाए तो लगातार जो है सो हम वीर प्रसविनी जो है सो ये धरती है और योद्धाओं की धरती है, ये मैं ये कहूंगा। तो इसलिए हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा लड़ाका रहे हैं और कभी भी गुलामी को इस धरती ने बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए हम लोग आगे भी यही प्रशासन से भी कहेंगे और सबसे कहेंगे कि यहाँ की जनता की भावनाओं को लेके और शहादत को लेके और शहीद की भावना को लेके कभी किसी तरह का कोई खिलवाड़ करने का काम